टीबी के बारे में बहुत जानकारी और सक्रिय तरफ से देश में काम हुआ है, हो रहा है। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि हम सभी जानते हैं कि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। सो इसमें क्या हुआ है, कई जगह पे ऐसा हम जानते हैं, जैसे मेरे घर के बाजू में हुआ था, एक महीने पहले की बात है, तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि टीबी हुआ कि नहीं, और डर के मारे बहुत डर रहे थे, बहुत परेशान हो रही थी। हमने पूरा उनकी मदद की है, मैंने इंडिविजुअली, लेकिन मैं ऐसा सोच रही थी जैसे हमने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर कोविन ऐप बनाए हैं, वैसे आरोग्य सेतु जो इतना अच्छा काम किया है कोविड के दौरान, क्या उस तरह से हम कुछ एफएक्यू वाला कोई ऐप छोटा सा कोविन के आरोग्य सेतु के साथ या ऐसा कुछ हम प्लान कर सकते हैं क्या, ताकि वो अगर कोई सवाल आए कि हमें टीबी हुआ कि नहीं, उसके क्वेश्चन आंसर्स एफएक्यू अगर हो जाए तो आम जनता को भारी, क्योंकि हर सरकार हर राज्य में उतना मदद नहीं करती। आपका सुझाव है माननीय मंत्री से। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुझाव भी है और मैं रिप्लाई भी देना चाहूंगा। ये बात सही, एक समय था जब किसी को क्षय हुआ है, टीबी हुआ है, तो वो डरते भी थे और रेजिटेंसी भी थी, बट वर्तमान समय में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये डिसीज क्योरेबल है और उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, सभी सही समय पर ट्रीटमेंट हो जाने से ये डिसीज का इलाज है, और उसमें ट्रीटमेंट करके हम दर्दी को, पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। और जो कुल मिला के लोगों में वैक्सीन का, उसके टीबी के संदर्भ में जागरूकता बढ़े, ये बहुत आवश्यक है, और उसमें सामूहिक प्रयास की भी आवश्यकता होती है। पब्लिक अवेयरनेस कैसे आए, ऐसे कोई पेशेंट हो तो उसको तुरंत ही रिपोर्ट किया जाए, उसको बताया जाए, और व्यक्ति भी आज के समय में ट्रीटमेंट भी ले लेता है और इलाज भी करवा लेता है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 28 दोनों एक सिमिलर नेचर के हैं, सो वी आर टेकिंग बोथ। पहला क्वेश्चन नंबर 18 माननीय